विश्व तंबाकू निषेध दिवस डीएवी हमीरपुर में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने वर्चुअल माध्यम से पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग, कविता पाठ, भाषण तथा नाटक के द्वारा अपने विचार रखे। बच्चों ने तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि से होने वाले नुकसानों के बारे में अपने विचार रखे तथा समाज को तंबाकू मुक्त करने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा ने छात्रों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस मुश्किल समय में बच्चे घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे इस प्रकार की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जो कि काफी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि तंबाकू हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है और युवा पीढ़ी भी इससे अछूती नहीं रही है। उन्होंने कहा कि आज सभी को तंबाकू के सेवन तथा उससे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि तंबाकू के दुष्प्रभावों से युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि हमारे युवा तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के प्रति जानकारी रखेंगे तो तंबाकू सेवन को रोकने में अहम भूमिका अदा की जा सकती है। ग्रीटिंग एवरीवन, टुडे वी स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ही गोइंग टू प्रेजेंट अ व्यू ऑन वर्ल्ड टोबैको डे। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको। इस अवसर पर हम एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है ये धुआं तेरा दम घोट देगा। धुआं तेरी सांस में है, ये धुआं तेरी आवाज में है, इस धुएं ने तुझे घेर रखा है, ये तेरे फेफड़ों, जिगर, जज्बात में है, ये धुआं तेरा दम घोट देगा। तू इसका आदि नहीं, अब तू इसका गुलाम है, तुझे कूल बनना था पर अब इसकी वजह से तू बदनाम है, जिसके सहारे तू सारी दुनिया जीतने चला था, वो तुझे किसी और दिशा में मोड़ देगा और ये धुआं तेरा दम घोट देगा। ये केसर में लिपटा कैंसर है, ये जो तू हर दम खांसता है, ये इसका ही तो असर है, ये तेरी घी से बनी भुजाओं को खोखला कर देगा और ये धुआं तेरा दम घोट देगा। जब कलम उठाने का दौर था तूने सिगरेट उठाई थी, और अब जब जिंदगी जीने का दौर है तो तेरी जिंदगी ही दवाई है, ये धुआं तेरा दम घोट चुका है और तेरी एक एक धड़कन को सोख चुका है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि गुटखा, शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि इन सब से दूर रहें और एक स्वस्थ जीवन अपनाएं। धन्यवाद। Lying on the streets after hurting so many lives, the silly lips who touch this burning devil are to be dead soon, can't even sign their will. I see those teens chewing those tobacco products in the surrounding of stores of betel nuts. There is one in each corner of every street, but dozens of people gathered for the treat. When it is written on the box itself that smoking is injurious to health, how can you smoke with a sip of tea and compete with smoke clouds? How pleasing to see. The government fell through to make them aware. They carry on smoking, none does care. The roll of paper is burnt even by boys at 16 to face the fatal consequences of nicotine. One day, like the cigarettes, your face would burn. तम्बाकू और बीड़ी आपकी सेहत के लिए कितने हानिकारक हैं। डॉक्टर ने भी आपको बोला था कि मत पियो बीड़ी।